ज्यादा ना मिला साहब, जनाब हाफिज साहब, जनाब शर्मा साहब, जितने भी अहबाब फिजिकल में बैठे हुए हैं कि उनको और जितने भी अहबाब ये हम तशरीफ लाए हैं उन तमाम को खुश आमदीद। और हम तो उसको खैर नायब कहते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूँ खैर सैद आप खैर कुर्बानी हो जाए। और चतराल के हमारे भाई आए हुए थे खुआर की, मैंने कभी जबान सीखने की कोशिश की थी, तो शफीक दोन और तबीयत जमा इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। आपने कुर्बानी की बात की है तो मुझे एक मेला याद आ रहा है, इसी तरीके से एक मेला लगा हुआ था, तो अपने दो दोस्त जो है वो मिल गए वहाँ पे, उन्होंने सलाम दो की और वो दोनों घबराई हुए थे, तो एक दूसरे कहा यार क्या बात है तुम लोग घबराई हो, इन्होंने कहा यार मेरी बीवी मुझसे खो गई है, तो दूसरे ने कहा यार यही बात है कि मुझसे भी मेरी बीवी खो गई है और मैं उसी को ढूंढ रहा था। दूसरे से एक ने दूसरे से पूछा कि तुम बताओ यार के तुम्हारी बीवी का शक्ल और शबाहत कैसी है कि हम ढूंढ रहे हैं, तो मुझे चूँकि नजर आए तो मैं देख लूँगा तो फिर मैं तुमको बता दूंगा। तो उसने कहा यार मेरी गोली चिट्टी इतना उसका कद है, इतने नबे लगे उसके बाल हैं, लाल उसके बालों का रंग है, उसके चेहरा सफ़ेद है, नेल पॉलिश उसने लगाई हुई है, हाथों में उसने कंगन पहने हुए हैं, हील जो है उसकी बड़ी है, और बिल्कुल इस तरीके से उसके कदम उठते हैं जैसे हरनी होती है। और दूसरा दोस्त जो है वो गलत उसकी बात को सुनकर आप सोचकर आप सोचकर आप, तो पहले ने कहा कि यार क्यों क्या बात है तुम क्या सोच रहे हो, उसने कहा पतंदर का जमा खजम आ गया था जिसका खजम साफ बात यह है कि आपकी कुर्बानी, आपकी गुजरी, आपकी ख्वार और आपकी दिगर जहाँ की कुर्बानी और बोली जाने वाली जबानी है उनकी इतनी ज़्यादा हमें तारीफ, इतनी ज़्यादा तौसीफ, उसका अदब, उसकी तहजीब, उसकी सकाफत, उसकी शराफ़, उसकी पहचान, उसका शख्स हमने इतना सुना और इतना महबूब हुआ है कि हमें लगता है कि हमें कुर्बानी में से होना चाहिए था कि हमें गुजरी में से। आज़ादी ग्रामीण के हाल तक इन इलाकों का ताल्लुक है जिससे आप मुतालिक हैं। हज़रत अल्लामा ने कहा था कि फितरत के मकासिब की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तान। वो मतलब कोहिस्तानी कि जिससे मुतालिक आप लोग हैं, जहाँ जो तहजीब पल रही है, यहाँ की जो सकाफत पनप रही है, ये यकीनन ऐसी सकाफत और ऐसी तहजीब है इसे कौमी धारे में शामिल होना चाहिए। जिस हम कौमी धारे की बात करते हैं तो जिस तरीके से धारा बनता ही मुख्तलिफ लड़ियों से है और मुख्तलिफ लहरों से है, इन लहरों में से वो लहर जो कुर्बानी की है, जो गोजरी की है, जो कोहिस्तानी की है, फिर जो गावड़ी की है या जो ख्वार की है, यकीन अगर वो मौजूद नहीं होगी तो इस धारे का, इस खौसे गुजा का वो रंग जिसको कि बहुत ही शनाख्त के साथ वाजे होकर पैगाम होकर सामने आने चाहिए था, वो उतना वाजे और उतना गैर मुहिम नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ पे जितने भी अहबाब आए उससे मुतालिक जो एक ख़ास नुकता मैंने साफ़ तौर पर नोट किया और शायद मैं इसमें गलत हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो ये था कि एक हमारे सियासी रहनुमा बात कर रहे थे, तो बार बार कह रहे थे हमारा कौम बहुत बहादुर है, हमारा कौम जंगजू है, हमारा कौम ने ये किया, हमारा कौम ने वो किया, तो हिसाब उठे। तो उसने कहा कि सर ये कौम जो है ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर नहीं है। तो उसने कहा तुम्हारा कौम मुअन्नस है, हमारा कौम मुज़क्कर है। तो यहाँ पे जितने अहबाब आए यकीन मानिए मैं कह रहा था कि कोई शख्स तो ये तस्कीर और तामीज की गलती करे या तलफ्फुज़ और लहजा जो उर्दू का होता है उसको कोई आगे पीछे करे, लेकिन मेरी तामीज करो, शायद मेरे प्रोफेसर यहाँ अच्छे से बैठे हैं, शायद वो भी मेरी तारीफ करेंगे कि इंतहाई कम ना होने के बराबर ऐसा हुआ और जो हमसे भी हो जाता है कि शायद ऐसी कोई गलती हुई हो, वरना जितने भी अहबाब यहाँ पे आए तो इस हजरत दाग के शेर के मुस्ताक आए कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी जबान की है। अब मैं यकीनन इस तरफ कहूँगा कि जहाँ तक कुर्बानी रिसर्च फोरम का ताल्लुक है, आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि इस रिसर्च फोरम के लिए भरपूर तालियां बजा लें, इसलिए कि इसकी
इसकी ये कोशिशें हैं, यकीनन ये एक दिन की बात नहीं है, इसके बाद यज्ञ बाद दीगर मुख्तलिफ संख्याएं मिल यहाँ पे आएंगे, जिसपे इस कुरबानी रिसर्च फोरम ने कुरबानी जबान के हवाले से बिलखसूस और बिलहूम इस इलाके पे बोली जाने वाली दीगर जबान हैं उसके लिए उन्होंने कोशिशें करनी है, उसके लिए उन्होंने यकीनन जो उसका अदब है, उसका जो लिटरेचर है, उसकी जो शायरी है या उसके दीगर जहते हैं जितने भी अदब की उसमें उन्होंने कोशिश करनी है। मैं अपनी इस गुफ्तगू के तकरीबन आखिरी हिस्से में यकीनन मैं उस पर जरूर इशारा करूँगा। जानिए डॉक्टर तफसीर साहब जो सबसे पहले आए थे और उन्होंने टेक्निकलिटीज जो होती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आप कह लीजिए डॉक्टर कंप्यूटर की जो एडवांसमेंट है वो चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसमें शायद हमारी हम उनमें से नहीं है जो टेक्निकलिटीज जानते हैं, मगर उर्दू के हवाले से शायद जो साइंसी उलूम की तरवीज के लिए ज़रूरी जबान है उसमें भी अभी बहुत सी ऐसे अदवार हैं कि जिनको या ऐसा सफ़र है मंजिल की जाने जिसको भी हासिल किया जाना है। जहाँ तक इलाकाई या उन कौमी जबानों का ताल्लुक है कि जो हमारे मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाने वाली जबानें भी दूसरे इलाकों में उसको समझा नहीं जा सकता, उनके लिए क्या ऐसी जहद हो साहब के जो यकीन हम बंगाली लोगों के वजह से बात करना चाहेंगे कि हम उसको उसकी मदद कर सकें, उसको उसके उस मुताबिक हम मुताबिन हो सकें, चाहे वो एक मैन पावर की सूरत में आबादी पूर्व की सूरत में या वो अमलन उसके लिए कुछ ऐसे फाइनेंसेज अगर उसके लिए दरकार होते हैं तो भी हम उसके वजह से तैयार हैं बंगाली को अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से, ताकि हम चाहते हैं कि वो जबानें जो कि छोटी जबान है हमारे इलाके की लेकिन हमारी शिनाख्त वो इसलिए से पीछे रह गए कि टेक्निकलिटीज में वो पीछे रह गए, हम उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं और हमें नीज नहीं मालूम, आपसे टेक्निकल अहबाब जो हैं वो हमें मशवरे देंगे कि अकबाली की जो अहबाब है उनको मशवरे देंगे और हम उस हवाले से वो कुछ करना चाहेंगे ताकि ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये मंजिल हासिल करने के जो होता है उसमें हम किसी तरीके से शरीक हो सके ताकि हमारी ये जबान टेक्निकलिटीज की वजह से पीछे रह गए। एक बात दूसरी बात ये थी कि सादा वतन के जो वजीर हैं उनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन भारत ऐसे लोग यकीनन काबिल सताइश और काबिल तहसीन होते हैं कि जो पसे पर्दा रह के अपनी जबान की अपने अदब की खिदमत कर रहे होते हैं, इन लोगों की तहसीन की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इनाम भाई इस हवाले से हमें भी मशवरा देंगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जो कतई तौर पर इंतहाई सलूस के साथ आपकी जबान के लिए काम कर रहे हो उस हवाले से हम हमारे चीफ है कालाम में सितंबर में जो डेट आप मुंतखब करेंगे उस डेट के ऊपर हम कालाम में एक जो यहाँ की लैंग्वेजेस इस इलाके की बोली जाती हैं उसे हम वर्कशॉप करना चाहेंगे सितंबर स्वात लैंग्वेजेस वर्कशॉप जो हम चाहेंगे कि कालाम में हो या अगर अदरवाइज जो भी जगह पर इंतजाम किया जाता है, लेकिन उसके लिए जितने फाइनेंस दरकार हैं वो बेदार इनको अकेडमी अपने फाइनेंस। मैं आपसे ये यकीनन कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे नरेंद्र कोहोर का ताल्लुक है ये एक इंतहाई छोटा सा इदारा था, ये इतना इदारा कि शायद इसकी शनाख्त भी अपने शहर की किसी गली में भी नहीं होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे के अंदर हमारा ये इदारा जो है अगर इसकी एक शनाख्त है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वह खलूस नीयत के साथ काम करना। अगर कोई साहब अगर कोई इदारा अगर कोई शख्सियत अगर कोई अंजुमन किसी खलूस के साथ काम करेगी तो यकीन उसकी उसको मंजिल हासिल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से मैं यकीन चाहूँगा कि हमारे तकरीबन इस वक्त 9 रसायल जराय जो है वो छप रहे हैं, कुछ इंटरनेट के ऊपर हैं, कुछ जो है तो आपको शायद यहाँ पर रसायल की सूरत में भी मिलेंगे। इनमें चीनी खाना है, गंधारा वॉइस है, हिंको वर्ल्ड टाइम्स है, गंधारा न्यूज़ ऑनलाइन है, हिंको वन सफेद इस तरीके से तारे बच्चों का रसाला है, हिंको वन ऑनलाइन, हिंको अदब और मदर, ये हमारे वो रसायल हैं कि जो हमें इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं। वेबसाइट से मुझे याद आया कि जहाँ तक हमारे कुरबानी रिसर्च फोरम का ताल्लुक है मैं चाहूँगा
कि अगर ये आप अपनी फेसबुक या ट्विटर या इस तरीके से जो हमारी सिविल सोसाइटी के जराये हैं आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं उसको इस्तेमाल में लाएं और अपनी शराफ जो है कम अज कम इस वजह से सामने लाइए। शायद उनका कुछ होगा इस वजह से मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर नहीं है तो उसको होना चाहिए। भारत हमारी वेबसाइट जो है हिंको अकेडमी की रिपोर्ट जो मौजूद है वो इस वजह से हम हमारे पास टेक्निकल अफराद मौजूद हैं, उस वजह से अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। भारत अली उल्फाज के साथ मैं यकीनन आप तमाम अहबाब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा और जहाँ मौजूद जो हमारे आज के मेहमान खसूसी हैं मैं उनका इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर नुमाइंदगी की है स्वात यूनिवर्सिटी की और स्वात के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की। मैं गुजारिश करूँगा अपने अगले साहब से कि वो किताबों के सेट जो है जया साहब को दे दें और जया साहब जो हैं ये किताबें मोहम्मद आतिफ साहब को देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कल्चर टूरिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात। एक दो किताबें देंगे, हाँ एक किताब इनको प्रेजेंटेशन के तौर पर एक किताब हम दे देते हैं तो वाली रिसर्च फोरम के लिए गुजारिश है कि वो ये किताब बात ये थी कि जहाँ तक नारा हिंदू अकेडमी का ताल्लुक है इसने अपनी एक सर्विस या अपनी खिदमत मुहैया की हुई है और वो उन अहबाब के लिए है कि जो कलम से अपना रिश्ता रखते हैं, चाहे वो नसब लिखते हैं, चाहे वो शायरी में अपनी तफसीलात पेश करना चाहते हैं। हमारी एक नारा हिंदू अकेडमी के हवाले से एक सोसाइटी ग्रुप है, आप यूँ कह लीजिए कि हमारा एक इदारे के कुछ अफराद हैं जो कि उस टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं जो इन सौदाओं के पास आता है और उसके बाद उसको छापने पे जो मरहला होता है वो उसके बाद होता है। यहाँ हम पेशकश उन तमाम अबाकों के जिनकी शायरी में कुछ मुसवेदात मौजूद हैं या उनकी नसल में मुसवेदात मौजूद हैं, चाहे वो तोरवाली में हैं, चाहे वो ख्वार में हैं, चाहे आपकी लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती हैं किसी भी जबान के अंदर है, हम उसको छापने के लिए तैयार हैं। उसके लिए तमाम फाइनेंसिस, तमाम पैसे जो हैं, तमाम रकम गंदा रहो अकेडमी करते हैं। सिर्फ एक छोटी शर्त के साथ कि उसके मायार का तयन हर अलमारी में कमेटी करेगी जो गदारत को अकेडमी में बनाई गई है, सिर्फ ये छोटी शर्त है। बाकी आप अपने मुसवेदात अगर तुरवाली में हैं तो या दीगर जमानों में भी हैं जी, आप उसमें एक ये जरूर है कि आपके मुसवेदात जो आपके हाथ से लिखे हुए हैं आप उसको कंपोज करवा लें, प्रूफिंग करवा लें, ताकि वो प्रूफिंग का जो एक जिम्मेदारी होती है वो हम उस मल्ले पे या उस मुसनफ पे ही डाल सकें, वो फिर आप इनामुल्लाह साहब तक पहुँचा दें, उसके जरिए इंशाल्लाह ये हम तक पहुँच जाएगा और इसे विद इन ड्यू टाइम जो है हम कोशिश करेंगे कि उसकी इशार मुमकिन हो सके। और एक बहुत ही जल्द जो हम कर सकते हैं ये तो वो चीज़ें जो हमारी पाइप लाइन में होंगी ना कि आप देंगे फिर इधर उसके मैार का तयन किया जाएगा, इनाम सब तक पहुँच जाएगी, उसके बाद जिन्हें आप कंपोजिंग करवाएंगे और फिर उस तक हमारे पास पहुँचेगी तो हम उसकी इशार को मुमकिन बनाएंगे। लेकिन बहुत ही फोरी जो चीज़ है और जिसके लिए हम फाइनेंस करना चाहेंगे वो है वतन रिसाला, जो आपका अगला जो वतन का आपका शुमारा होगा वो इंशाल्लाह सारे का सारा फाइनेंस होगा गदारा हिंदको अकेडमी का। उसके हवाले से यकीन एक रिक्वेस्ट एक दरख्वास्त यही होगी कि अगर हो सके तो उसके अंदर मकामी जबानों का जो जायका है वो ज़रूर नजर आना चाहिए इस वतन सारे, क्योंकि जाहिर है कि हम वो शनाख उर्दू हमारी माँ है इसमें कोई शक नहीं, और अभी कुछ लोग हैं जो सलीका रखते हैं और रस बोल सकते हैं इन अफवाहों में, ये वही लोग हैं और ये वही सलीका मंद लोग हैं कि जो उर्दू बोल सकते हैं।
یقیناً اردو کے بارے سے ہماری ایک شناخت ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو ہم قبول کرتے ہیں, لیکن علاقائی شناخت اس وطن سالے کے اندر ضرور ہے. بالکل بہت بہت شکریہ جتنے آپ یہاں پہ تشریف لائے, یقیناً کہ میرا اس کو اکیڈمی نہیں بنا رہا ہے, ان کو بہت ہی طرف سے میں ان کا انتہائی ممنون ہوں, اور بالخصوص آج کی جو صدر تھے اتنا پر شہین صاحب, میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور آج کی مجلس کی صدارت کی. بہت شکریہ.